गुजरावाले की गली में ये कविता आलीशान घर बना हुआ था, और इस आलीशान के बिल्कुल पीछे ये भी घर है, और ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके पीछे एक और भी है और उसके पीछे एक और भी है। अब इन तीन फर्टीचर प्रॉपर्टीज़ में एक ही इतना अच्छा आलीशान महल फिर बना हुआ है, और हर घर में एक और झुग्गी बनी हुई है, बाकायदा झुग्गी ही बनी हुई है। तो इसमें देखें आप, ये कलमा लिखा हुआ है। तो यहाँ ये जो इलाका है ना, ये मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटीज़ का है, और हर मुसलमान ने यहाँ पे अपने घर पे ऐसे ही कलमे लिखे हुए हैं, और उसको कुछ रिलीजियस टाइप लुक दिया हुआ है, और रिलीजियस टाइप लाइनें लिखी हुई हैं, कोई कुरान की आयतें लिखी हुई हैं या कुछ। वाह यार अंगूर, तो ये अंगूर की बेल है। कसम से साथ के अब्बू, नहीं मुझे बस रिकॉर्ड करना है यार। ये देखो तुम लोगों को मैंने अंगूर भी दिखा दिया, मैंने लाइफ में दूसरी तीसरी दफ़ा देखा है ये अंगूर का पेड़। अंगूर की बेल होती है बेसिकली, इसको पेड़ नहीं कहते जितना मुझे याद है। ज़रा घर के दरवाजे का साइज़ देखो, ऐसे शाहरुख खान के घर का हो, फुल बड़े बड़े से, और घर भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, पर नहीं गेट इतना बड़ा क्यों है? चोर तो यहाँ पे है नहीं कोई। और ये देखो अखरोट पॉट, तुमने ये कैसे मिस कर दिया? अखरोट अखरोट यार, पॉट कैसे? और ये देखें एक और, इतने फटीचर अखरोट रास्ते से जा रही यार, है, मैंने अखरोट वैसे कभी, और ये तो फीके में फीके हुए थोड़ी है, ये रखे तो हुए किसी ने। गंदे हैं। भाई खुले हुए ही नहीं है, बंद है वो अखरोट। तू खा ले वहां कराची का है जा ना तू, असल में वो कचरे को पानी मुझे नहीं समझ रहा। क्या इसमें, तो ये खराब कैसे थे? तू कचरा कॉलोनी रहे क्या है? तो ये तुम लोगों को देख के कैसे पता चल गया अखरोट खराब है? कचरे में पड़े हुए हैं। हाँ वैसे ये है, चर्सी नहीं उठा रहा तो सोच कैसे होंगे। हाँ ये एक फिल्टर है, कैसे कर रहा है? कच्चे हैं, इनको कहीं गर्म जगह में रख देना, ये पक जाएंगे फिर। देखा ना कि कैसे उठाता फिर। और ये इन्होंने यार, इसने तो देखो बकायदा मरमरी की पहाड़ बनाई है पूरी अपने घर में। कोई करोड़ पति लोग हैं कसम से, ये चाइना के, जिन्होंने इतने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। यहाँ यहाँ पे हैं, फ्लैट लेने के लिए इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और इन्होंने महल बनाए हुए हैं, वो भी डबल डबल। सही यार, मरी मरी जैसी, नथिया गली जैसी, इन्होंने फुल टेक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे, और फुल एग्रीकल्चर टाइप, देहात शहात जैसी जगह है। वैसे ये रूट मुश्किल है। और ये ग्रीन प्याज लगी हुई है, वो अंगूर की बेल है, वो ऊपर से ही दिख गई। ये जो है सोए नहीं, सरसों, सरसों के बाग आ गए हैं, ये हरा हरी घास के पत्ते आ गए हैं। ये इसने भी कितना कितना बड़ा, अच्छा बड़े दरवाजे कितने बनाए हैं, भारी चाबी उन्होंने लटकाई हुई है लोगों के लिए। मुझे लगा किसी कुत्ते ने चेन तोड़ दी। एक घर ये रहा, सारे के दरवाजे अच्छे बने हुए हैं, सारे घर भी अच्छे बने हुए हैं। अभी इसका इसी का ही देख लो, कितना अच्छा घर बना हुआ है, और कितना अच्छा गेट भी है। ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो खुद भी ये लाइफ बड़ी इन्वे करता हूँ। और ये देखिए, ये आ गया पहला कलमा, तो ये भी प्रॉबेबली किसी मुस्लिम का ही घर है। तो नाइस। अब वो देखो कितना बड़ा, पता नहीं अब वो घर है, स्कूल है, बैंक है, क्या है पता नहीं, पर रियली नाइस। ये भी कितना अच्छा घर बना हुआ है, रियली नाइस।